हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद एसएम। आज हम बनाएंगे मटन कलेजी, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने चार मीडियम साइज के प्याज ली हैं जिनको हमने काट लिया है, और ये हमने फ्राई पैन में तकरीबन 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल डाला है। अब अपने प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम एक छोटा सा दालचीनी की लकड़ी को ऐड करेंगे और एक बाय लीफ ऐड करेंगे इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी हाफ के जी कलेजी है, ये अब हम इसमें अपने प्याज में ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए, हमारी कलेजी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक टिप देना चाहेंगे। देखें, कलेजियों को देखें, बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनकी कलेजी पकने के बाद काली हो जाती है। तो उसके दो ऑप्शन हैं, एक तो ये कि आप विनेगर के पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें, इससे ये होगा कि तो स्मेल चली जाएगी, और दूसरा काली नहीं पड़ेगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको चूने थोड़ी देर, जो खाने वाला पान में लगा के चूना खाते नहीं है, थोड़े से पानी में पतला पतला चूना फेंक के और थोड़ी देर को इसको लगा के रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर आप इसको वॉश कर लें। तो आप उससे ये होगा कि कुक होने के बाद आपकी कलेजी ब्लैक नहीं होगी। बहुत से लोगों की बिरयानी का मटन है या ये सारी चीज़ें हैं वो ब्लैक पड़ जाती हैं, और गोश्त की स्मेल भी जो होती है वो भी आती है, तो ये करने से ये चली जाएगी। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी मिलाई करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और उसको हम खूब अच्छे से भूनेंगे। देखिए, हमारे कलेजी में हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस टाइम हम यहाँ पे 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून काफ़ी भर के चिली पाउडर डालेंगे। और ये चार मीडियम साइज के टमाटर हैं जिनको हमने ऐसे काट लिया है, वो हम ऐड करेंगे। ये समझेंगे कलेजी बनाते तक आपके प्याज और टमाटर दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब इसमें हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद उसको चार सीटी देंगे और फिर 15 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाएंगे। देखिए, हमारी कलेजी गल चुकी है, अब इसकी हम भुनाई करेंगे और इसको हम इसका पानी सूखने तक पकाएंगे। और यहीं पर इसी मौके पे हम 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो भुनी भुनी भी रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी पानी रख के अभी एक सीटी और लगाएंगे। अब इसको एक सीटी आने तक हम और पकाएंगे, हम दही इसमें डालेंगे और फिर से एक बार भुनाई करेंगे। देखें, हमारी कलेजी तैयार हो चुकी है, अब इसको हम सर्व करेंगे। देखें, हमारी कलेजी बनके तैयार है। बनाइएगा ज़रूर, बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है, और अगर आप बनाती हैं, आपको पसंद आती है, तो एज़ यूजुअल जैसे हम कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।